चॉकलेट का लेयर हर बाइट में आपको नजर आएगा इतनी चॉकलेटी है कि मुंह में डालो तो घुल जाए उतनी देर किस बात की तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तैयार करेंगे गनाश तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा सा सॉस पैन जिसमें मैं ऐड कर दूंगी वन थर्ड कप उतना फ्रेश क्रीम गरम कर लेंगे फ्रेश क्रीम को हम यहाँ पर हमने गरम कर लिए इसमें एड कर देंगे हाफ अ कप उतना चौक किया हुआ चॉकलेट और इसमें हल्के से ऐड करके मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो हमारी क्रीम अच्छी सी गर्म है तो चॉकलेट बढ़िया तरीके से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी चेक कर सकते हो आप बस हल्के से मैं यहाँ पर स्टेर कर रही हूं चेक करें बहुत ही क्विक सिंपल और इजी तरीके से आपका गनाश बनकर तैयार हो जाएगा हमारा गनाश परफेक्ट रेशियो में बनकर तैयार हो चुका है आप इसका सिल्की स्मूथ टेक्सचर चेक कर सकते हो कुछ यहाँ पर इस तरीके से सिल्की स्मूथ टेक्सचर का हमारा गनाश तैयार है इसको हल्के से कूल cool डाउन होने दूंगी कुछ देर के लिए चलिए चलते हैं मफिन की तैयारी के लिए तो चलिए मफिन की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर एक कप में लिया है वन फोर्थ कप उतना ल्यूक मिल्क हल्का सा गुनगुना वाला दूध मैंने यहाँ पर लिया है तो चलिए इस ल्यूक वार्म मिल्क में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी बस वन फोर्थ टीस्पून उतना वेनेगर अच्छे से मिक्स कर देंगे वेनेगर को ऐड करने से हमारा दूध यहाँ पर फट जाएगा टेन मिनट्स के लिए इसे साइड करेंगे तो चलिए मैंने फट से यहाँ पर एक बाउल ले लिया है इसमें ऐड कर देंगे टू टेबलस्पून स्पून उतना कोको पाउडर हाफ टी स्पून उतना इंस्टेंट कॉफी का पाउडर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा ये ऐड कर दूंगी थ्री टेबल स्पून उतना पानी हल्का सा गुनगुना पानी है ये इस तरीके से ना कोको पाउडर को पानी में डिजोल्व करने से बढ़िया सा ब्लूम हो जाएगा हमारा कोको पाउडर इसका टेक्सचर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही बढ़िया लगेगा ये वायरल मफन की रेसिपी ना एकदम डिलीशियस और यम बनकर तैयार होती है बहुत ही मजे की बनती है यकीन मानिए अगर आपके पास इंस्टेंट कॉफी हो तो जरूर से ऐड कीजिएगा इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है इस कर सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से ब्लूम हुआ है हमारा कोको पाउडर का मिक्सचर बिना किसी लम्स के यहां पर बनकर तैयार हो चुका है तो चलिए इसे भी रख देंगे साइड में तो चलिए जब तक ये हमने साइड किया है अगर आप ओ में बना रहे हो तो वन पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लीजिए अगर आप आपके पास ओ ना हो तो कढ़ाई में थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको भी मीडियम फ्लेम पर ना गर्म होने के लिए रख दीजिए जब तक ये गर्म हो है हम यहां पर ले लेंगे इस तरीके का कपकेक का मोल्ड इसमें लाइन कर लेंगे इस तरीके के पेपर कपकेक्स ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है बस इस तरीके के मोल्ड को हमें इसमें ऐड कर देना है पेपर कप्स को उनसे भी आप परचेज कर सकते हो इनको तो चलिए ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है हमने कप केक को ऐड कर दिया है तो चलिए इसे करते हैं साइड बाउल इसमें ऐड कर दूंगी टू टेबल स्पून उतना फ्रेश दही इसी में मैं ऐड कर दूंगी टू टेबल स्पून उतना अगर आप इसको एग बेस बनाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर दही और दोनों का यूज किया है अगर आप एग वाला वर्जन बनाना चाहते हो तो दही और ऑयल के मिक्सचर को स्किप कर दीजिए इसकी जगह एक एग को यूज कर लीजिए इसी के साथ ऐड कर दूंगी वन फोर्थ कप उतना पिसी हुई चीनी इसी में ऐड कर दूंगी हाफ अ टी स्पून उतना वनीला एसेंस इन सारी चीज़ों को ऐड करके यहाँ पर हम अच्छे से 30 से 40 सेकंड के लिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो जाए इमल्सिफाई हो जाए इन सारी चीज़ों के साथ अच्छे से सारी चीज़ें मैंने 30 टू 40 सेकंड्स मिक्स कर लिए इसी के दरमियान जो हमने ठंड दूध में वनीगर को ऐड करके रखा था दूध अच्छे से यहाँ पर टेन मिनट्स के लिए रेस्ट हो चुका है बढ़िया तरीके से हमारा दूध यहाँ पर फट चुका है तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स इन सारी चीजों के साथ चलिए यहाँ पर बटर मिल्क को ऐड करने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर दिया है इस पर ऐड कर देंगे एक छन्नी इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ अ कप उतना मैदा मैं यहाँ पर इसमें मोफंस को मैदे से बना रही हूं अगर आपके पास अगर आप इसका हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज कर सकते हो इसी में ऐड कर दूंगी हाफ अ टी स्पून उतना बेकिंग पाउडर और इसी में ऐड कर लेंगे वन एथ टीस्पून उतना बेकिंग सोडा ये वन एथ टी स्पून है वन फोर्थ का हाफ इन सारी चीजों को ऐड करके इसे अच्छे से हम यहाँ पर छान लेंगे ताकि अगर कोई लम्स हो तो वो रिमूव हो जाए देख लीजिए परफेक्टली हमने यहाँ पर छान लिया है हल्के हाथों से जेंटली मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ चेक करें कोई लम्स ना बने इजीली कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे अच्छे से यहाँ पर मैदे को भी मिक्स कर दिया है अब जो हमने कोको पाउडर को ब्लूम करके रखा हुआ था उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बहुत ही इंटेंस और डीप फ्लेवर है इसका इसीलिए इतना ज्यादा वायरल है बनाना बहुत ही सिंपल और आसान बेसिक से घर पर रखे इंग्रेडिएंट्स है आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो चलिए यहाँ पर मैंने कोको पाउडर का ऐड कर दिया है बस हल्के हाथों तो से जेंटली सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे एकदम डीप सा हमारे यहाँ पर कोको पाउडर का मिक्सचर तैयार है बस हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए अगर आप चाहो तो स्पैचुला की हेल्प से भी इसको कर सकते हो बस मैं बहुत ही हल्के हाथों से इन सारी चीजों को कंबाइन कर रही हूं विस्कर की हेल्प से बस तो कर लिया है। स्पैचुला से हल्के से मिक्स करके आप चेक कर सकते हो इसकी एकदम रिबन फोल्ड जैसी कंसिस्टेंसी है इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ चॉकलेट के चंक्स मैंने डार्क और मल्क दोनों चॉकलेट के चंक्स लिए हैं यहाँ पर हाफ ऑफ मिक्सचर मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूंगी आपको पता लग रहा होगा कि क्यों इस ये मफिन इतना ज्यादा वायरल हुआ है बहुत ही चॉकलेटी डीप एंड इंटेंस वाले मॉफिन्स बनकर तैयार होते हैं इससे मिक्स कर देंगे आप चाहो और थोड़े से चॉकलेट चंग्स इसमें ऐड कर सकती हो मैंने थोड़े से बचा लिए हैं चलिए हमारा बैटर कंप्लीटली तैयार है इसे करते हैं साइड यहाँ पर हम फिल कर लेंगे हमारे लाइनर्स में कभी भी आपको बैटर को ओवर फिल नहीं करना है थ्री फोर्थ ही हम इस मफिन के लाइनर को फिल करेंगे यहां पर कुछ इसी तरीके से मैं सारे फिल कर लूंगी बहुत ही चॉकलेटी बनकर तैयार होते हैं तैयार होंगे चलिए यहाँ पर हल्के से मैंने छह मफन कप की एक में इस तरीके से माफन को ऐड कर दिया और थोड़ा सा बैटर बच गया था तो उसको भी ऐड कर दिया चलिए जो बचा लिए थे ना मैंने यहां पर हल्के से उन चॉकलेट्स को ऊपर से कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे इसीलिए ये इतना चॉकलेटी और डिलीशियस इतना ज्यादा वायरल रेसिपी है चेक करें एकदम मजे के बनकर तैयार होते हैं चलिए ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से ऐड कर दिया है मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 पर 15 10 मिनट्स के लिए चलिए इनको बेक कर लूंगी परफेक्ट तरीके से 180 पर 15 मिनट्स के लिए तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे मफन कंप्लीटली डन है चेक किस तरीके से करना है आफ्टर ट्वेल्व टू फिफ्टीन मिनट्स बस हल्के से इस तरीके से साइड से ब्रेक करके चेक कर लीजिए अगर टूथ पिक कम्पलीटली क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा मफिन डन है आप देख सकते हो हलके से रही है, बस वो चॉकलेट जो हमने ऐड किया था वो मेल्ट हुई है बस उसका टेक्सचर ये ये कंप्लीटली तैयार है हमारे तो हल्के से इसे कूल cool डाउन होंगे फिर आगे का प्रोसेस करेंगे तो चलिए इनको रिमूव कर लूंगी मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से जेंटली कर सकते हो कितने डिलीशियस सॉफ्ट गुई आपको टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा कितने डिलीशियस हमारे मफन ये ट्रिपल चॉकलेट के बनकर तैयार हुए हैं हमारा यहाँ पर बढ़िया तरीके से मफन कम्पलीटली कूल डाउन हो चुके हैं मैंने लिया है यहाँ पर इस तरीके का नोजल हम यहाँ पर सेंटर में ना हल्का सा छोटा बहुत ही छोटा सा होल कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से मैं सारे मफन्स में कुछ इसी तरीके से, से सेंटर में होल कर लूंगी आप देख सकते हो ऑलरेडी चॉकलेट मेल्ट है बहुत ही डिलीशियस अब सॉफ्ट सा का टेक्सचर चेक कर सकते हो बहुत ही मजे का बनकर तैयार हुआ है बस और एक जो हल्का सा छोटा कपकेइक लाइनर बनाया हुआ था बच्चों से रुका नहीं गया तो गरमा गरम ही उन लोगों ने एंजॉय कर लिया उस मफिन को अब हम ऐड कर देंगे जो हमने गनाश सबसे पहले रेसिपी में तैयार किया हुआ था उसको यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया बहुत ही हल्के से चेक करें कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बहुत ही डिलीशियस तरीके से बहुत ही चॉकलेटी अगर आपको पता चल रहा होगा कि ये मफिन क्यों इतना ओलंपिक के टाइम वायरल हुआ था बहुत ही टेस्टी बनते हैं चलिए इसमें भी कुछ इसी तरीके से फिल कर लूँ सेंटर में हल्के से गनाश को फिल किया है ये कम्प्लीटली कुछ इसी तरीके से सर्व किया जाता है बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मॉइस्ट बहुत ही गुई टेक्सचर होता है इसका यकीन मानिए कुछ इतने मजे के है ना मैं आपको चलिए थोड़ा सा तोड़कर बता दूं इसको कुछ हल्का सा कूल cool डाउन हो चुका है आप चेक कर सकते हो इसके अंदर कितनी बढ़िया तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है इससे आपको पता लग रहा होगा कि मफन कितना सॉफ्ट कितना गुई कितना डिलीशियस टेक्सचर का बनकर तैयार हुआ है आप चेक कर सकते हो ढेर सारा चॉकलेट है इसमें इसीलिए ये इतना ज्यादा वायरल है चेक करें बहुत ही डिलीशियस बहुत ही चॉकलेटी बहुत ही गोई एकदम मजे का जैसे लावा नहीं होता बिल्कुल कुछ उसी तरीके के टेक्सचर का है यहाँ पर चेक करें एकदम मॉइस इसका टेक्सचर है लेयर्स आप चेक करें बहुत ही मजे है जरूर से इस मफिन की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा लगता है ये मफन आज ही खत्म हो जाएंगे उतने डिलीशियस और यम बने रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वायरल से रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग